आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन क्या है? एक्चुअली फैक्टराइजेशन एक मेथड है जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें हमारे पास इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2। जैसा कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसके लिए फर्दर डिटेल्स में अगर आपको समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड या जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स सुन सकते हैं। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स हम किस तरह से बनाते हैं या फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, थोड़ा सा आपने इस पे फोकस करना है तो आपको समझ आ जाएगी होपफुली। अच्छा, स्टेप वन आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने लिख लेना है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने एज इट इज़ लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फिर आपने चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का आपके पास कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, अगर कुछ भी ना हो कोएफिशिएंट तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट क्या होता है आपके पास? 1। इसी तरह एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये तो आपने कोएफिशिएंट्स लिख लिए, अब सेकेंड स्टेप क्या है या स्टेप वन में ही फर्दर स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को जो आपके पास लास्ट वाली वैल्यू है, कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेना है। जैसे 1 को आपने, इसके कोएफिशिएंट 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर लिया? माइनस 30 से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30, तो आपके पास क्या आ गया? माइनस 30। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी क्या कि आपने जो माइनस 30 है इसके आपने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि आपके पास उन दो फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें। फैक्टर्स क्या हैं अब कि दो कोई से भी आपने ऐसे डिजिट्स लेने हैं कि उनको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 30। उनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड वाली वैल्यू आए, ये आपकी मिड वाली वैल्यू है। चले अब हम जो है इसके पॉसिबल फैक्टर्स लेते हैं 30 के। 30 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि अगर 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाता है? 30। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 30 तो आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था? 3 और 10 को आपस में अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 10 माइनस 3 तो 7 होगा, तो ये वाली मिड वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 30 तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास वही अगेन बात कि 15 माइनस 2 क्या है? 13, जो कि मिड वाली वैल्यू नहीं है आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबल फैक्टर क्या है? 5 × 6। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो वो 30 आ जाता है। इसी तरह 6 में से 5 को माइनस करें तो वो क्या आ जाता है? 1। तो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? 5 और 6। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और 6। अब यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 जो हैं पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 5 और 6। अब 5 और 6 को हमने लिखना किस तरह से, इसका करना क्या है? अब जब आपके पास फैक्टर्स आ गए, आपने लिख लिया 5 और 6, आपके पास क्या फैक्टर्स हैं? अच्छा, अब आपने क्या लेके आना था? 30। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 30 तो आ रहा है, लेकिन आपने क्या लेके आना? माइनस 30। माइनस 30 मल्टीप्लाई करने से आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड वाली वैल्यू है, जो कि मिड वाली वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस 1। अब मैं किस तरह से इसकी अरेंजमेंट लिखूं? जब मैं +6 -5 रखती हूं तो आपके पास क्या आता है? +1। लेकिन जब मैं +5 -6 रखती हूं तो -1 आता है। तो इसका मतलब है मुझे जो पॉसिबल अरेंजमेंट रखनी पड़ेगी वो क्या रखनी पड़ेगी? 5 - 6, जो क्या आ जाएगा? -1। और 5 को जब मैं -6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा? -30। इसका मतलब है कि मेरे पास 5 - 6 परफेक्ट फैक्टर्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ अपनी इक्वेशन में। अब इसको यूज़ कैसे करना है? अब आप आ जाते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा था ये वाला, ठीक है? क्वेश्चन में आपने ये वाली एक्स स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज़ लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर -30 भी एज इट इज़ लिख लेनी है, जो आपकी ये वाली मतलब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। फैक्टर्स आपके बने हैं इसके,
इसकी जगह आपने जो दो फैक्टर्स बने हैं मिड वाली वैल्यू की जगह वो लिख देना है। आपके दो वाले फैक्टर्स क्या बने, 5 माइनस 6, तो माइनस वन की जगह आपने लिख देना 5 माइनस 6। अब यहाँ पे x भी था तो मैंने लिख दिया 5x माइनस 6x, तो 5x माइनस 6x करें तो क्या आ जाएगा, -1x, तो ये इसकी जगह क्या आ गया, -1x। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -30 एज इट इज़ आ गया, और -1 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 5x माइनस 6x। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं आगे। अगर यहाँ तक समझ आ गई है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तकरीबन। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ईजी है कि आपने इन दोनों में से हमेशा फर्स्ट टू में से जो भी चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेनी है आपने। इसमें देखें एक्स स्क्वायर है, इसमें 5x है, तो x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे x रह जाएगा प्लस 5। यहाँ पे इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लिया, 6 भी कॉमन है, मैंने 6 कॉमन ले लिया, -6 कॉमन रह गया, ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस बाहर गया, तो ये क्या हो गया, प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास होल इक्वेशन में क्या कॉमन है, x प्लस 5, तो x प्लस 5 बाहर आ गया, x प्लस 5 जब यहाँ से चला गया तो क्या रह गया, x माइनस 6, ये भी बाहर चला गया था, तो हमारे पास आ गया x प्लस 5 इंटू x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इनको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू प्लस 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5, तो 0 माइनस 5 क्या आ जाएगा, माइनस 5। माइनस 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6, तो x इज़ इक्वल टू 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू माइनस 5 और x इज़ इक्वल टू 6। और अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। और अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो आपको जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं।